सब्सक्राइब कीजिए माय इंडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को अमेजिंग फैक्ट्स और हैरान करने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बिना किसी रुकावट के। रहस्यमयी और अलौकिक निधिवन, यहाँ आज भी राधा संग्रास रचाते हैं कृष्ण, जो भी देखता है हो जाता है पागल। दोस्तों, भारत में कई ऐसी जगह हैं जो अपने दामन में कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। उनमें से एक जगह है वृंदावन में स्थित निधिवन, जिसके बारे में यह मान्यता है कि यहाँ आज भी हर रात श्री कृष्ण गोपियों के संग रास रचाते हैं। यही कारण है कि सुबह खुलने वाले निधिवन को संध्या आरती के पश्चात बंद कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। यहाँ तक कि निधिवन में दिन में रहने वाले पशु पक्षी भी संध्या होते ही निधिवन छोड़कर चले जाते हैं। जो देखता है रासलीला हो जाता है पागल। वैसे तो शाम होते ही निधिवन बंद हो जाता है और सब लोग वहां से चले जाते हैं, लेकिन फिर भी यदि कोई छुपकर रासलीला देखने की कोशिश करता है तो वह पागल हो जाता है। ऐसा ही एक वाक्या करीब 10 वर्ष पूर्व हुआ, जब जयपुर से आया एक भक्त श्री कृष्ण की रासलीला देखने के लिए निधिवन में छुपकर बैठ गया। जब सुबह निधिवन का गेट खोला गया तो वह बेहोश अवस्था में मिला। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। ऐसे ही अनेकों किस्से यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं। ऐसे ही एक अन्य व्यक्ति थे पागल बाबा, जिनकी समाधि भी निधिवन में बनी हुई है। उनके बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने भी एक बार निधिवन में छुपकर रासलीला देखने की कोशिश की थी, जिसे देखने का प्रयास करने के बाद वह पागल हो चुके थे। क्योंकि वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, इसलिए उनकी मृत्यु के पश्चात मंदिर कमेटी ने निधिवन में उनकी समाधि बना दी। रंग महल में सजती है सेज। निधिवन के अंदर एक रंग महल है, जिसके बारे में मान्यता है कि रोज रात यहाँ राधा और कन्हैया आते हैं। रंग महल में राधा और कन्हैया के लिए रखे गए चंदन के पलंग को शाम को 7 बजे से पहले सजा दिया जाता है। पलंग के बगल में एक लोटा पानी, राधा जी के श्रृंगार का सामान और दातुन सहित पान रख दिया जाता है। यहाँ सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि सुबह 5 बजे जब रंग महल का पट खुलता है तो बिस्तर अस्त व्यस्त, लोटे का पानी खाली, दातुन कुचली हुई और पान खाया हुआ मिलता है। रंग महल में भक्त केवल श्रृंगार का ही सामान चढ़ाते हैं और प्रसाद स्वरूप उन्हें भी श्रृंगार का सामान मिलता है। पेड़ भरते हैं जमीन की ओर। दोस्तों, निधिवन के पेड़ भी बड़े अजीब हैं। जहाँ पर हर पेड़ की शाखाएं ऊपर की ओर बढ़ती हैं, वहीं निधिवन में पेड़ों की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती हैं। अब तो हालात यह है दोस्तों कि रास्ता बनाने के लिए इन पेड़ों को डंडे के सहारे रोका गया है। तुलसी के पेड़ बनते हैं गोपियाँ। निधिवन की एक और अन्य खासियत यहाँ के तुलसी के पेड़ हैं। निधिवन में तुलसी का हर पेड़ जोड़े में है। इसके पीछे यह मान्यता है कि जब राधा संग कृष्ण वन में रास रचाते हैं, तब यही जोड़ेदार पेड़ गोपियाँ बन जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है तो यह फिर से तुलसी के पौधे बन जाते हैं। साथ ही एक अन्य मान्यता यह भी है कि इस वन में लगे तुलसी की कोई भी एक डंडी नहीं ले जा सकता। लोग बताते हैं कि जो लोग इन डंडियों को ले भी गए, वे किसी न किसी आपदा का शिकार हो गए, इसलिए कोई भी इन्हें नहीं छूता। वन के आसपास बने मकानों में खिड़कियां नहीं है। यहाँ के निवासी बताते हैं कि शाम 7 बजे के बाद कोई इस वन की तरफ देखता तक नहीं है। जिन लोगों ने देखने का प्रयास किया, या तो वह अंधे हो गए या फिर उनके ऊपर दैवीय आपदा आ पड़ी। जिन मकानों की खिड़कियां हैं भी, उनके घर के लोग शाम 7 बजे के बाद मंदिर की आरती के घंटे बजते ही उन खिड़कियों को बंद कर देते हैं। कुछ लोग तो अपनी खिड़कियों को ईंटों से भी बंद करवा चुके हैं। दोस्तों, क्या वास्तव में इस कलयुग में श्री कृष्ण इस धरती पर आते हैं या ये सिर्फ एक कल्पना मात्र है? दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहरहाल दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल बटन जिस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है को दबाइए, ताकि अगली वीडियो आप तक सही समय पर नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच सके। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर हमारे चैनल के द्वारा अपलोड की गई 2 वीडियोस दिखाई जा रही हैं। आप किसी भी वीडियो पर टच या क्लिक करके उसका आनंद भी ले सकते हैं। साथ ही इस बीच वाले सर्कल पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। दोस्तों, तब तक खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए।